Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about very interesting and specific topic and important too, because most of us are facing lot of insecurities in our life. And today we are basically going to discuss about the insecurities about our body, right? So हम लोग क्या करते हैं, जब बॉडी के बारे में बात करते हैं तो वी आर वेरी स्पेसिफिक टू सर्टन एक्सटेंट कि किस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए. इफ़ वी आर टेकिंग द केस ऑफ द फीमेल और इफ वी आर टेकिंग द केस ऑफ अ मेल, वी विल बी डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर फिगर ऑफ अ गर्ल और अ पर्टिकुलर फिगर ऑफ अ बॉय दैट वी बेसिकली थिंक दैट इट्स परफेक्ट, राइट? और ज़रा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये डायमेंशन थोड़ी ख़राब हो गई, इसमें हम ज़्यादा मोटे हो गए या हम ज़्यादा पतले हो गए. वी थिंक अबाउट दीज थिंग्स. एंड मोर ओवर, वेन एवर यू सी योर सराउंडिंग्स, योर पेयर ग्रुप्स ऑल्सो, यू विल एक्सपीरियंस दैट समबडी यू आर डीलिंग विद इज़ रियली वेरी इनसिक्योर अबाउट इट्स बॉडी. एंड जब उनको इनसिक्योरिटीज़ होती है तो आप लोगों को भी होनी स्टार्ट हो जाती है इनसिक्योरिटीज़. बट द थिंग इज़ हाउ टू कंट्रोल आर सेल्फ इन दैट. वी विल बी गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स एंड आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ माई पॉइंट्स विद यू ऑल कि हम लोग किस तरह से इनसिक्योरिटी, जो हम लोग इतनी ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, हम लोग उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज ये जो वेज हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंटेड हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो हैविंग एलोपेशिया एरेटा एंड एलोपेशिया यूनिवर्सालिस टू एट सर्टन पॉइंट ऑफ माई लाइफ. एंड उस टाइम पे आप लोगों को पता है कि उसमें एक ऐसी कंडीशन होती है कि आप कंप्लीटली बॉल्ड होने वाले होते हो, या फिर जो आपकी मतलब आईब्रोज हैं, आई लैशेज हैं, वो सब जा चुकी होती है. तो मेरे साथ भी ऐसी कंडीशन थी कि मेरे काफ़ी सारे बॉल्ड पैचेस थे और आईब्रोज भी चले गई थी और साथ में जो मेरी आई लैशेज थी वो भी चले गई थी. तो इंडियन सोसाइटी में अगर आप लोग हो तो वहाँ पर बहुत पर्टिकुलर चीज़ें रहती हैं कि एक परफेक्ट बॉडी जो फीमेल की है, या वो ज़्यादातर जो अगर हम मेल डोमिनेंस की भी बात करें या जेंडर इक्वलिटी की अगर हम लोग बात करें या जेंडर बायसनेस वगैरह की बात करें, तो उसमें केस में क्या आता है कि अगर जो मेल होते हैं इंडियन सोसाइटी में, अगर उनकी थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ भी दिखती है तो दे कंसिडर कोई बात नहीं, मेल ही है, कुछ नहीं होता. बट फीमेल की अगर बात करते हैं पर्टिकुलरली, बेशक वो सिंगल है, बेशक वो मैरिड है, अनमैरिड है, कुछ भी है, तो वहाँ पर एक ये बहुत चीज़ आ जाती है कि तुम लोगों की अगर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होनी चाहिए, मतलब सब तुम्हें इस नज़रिए से लाइक करें एंड ऑल द थिंग्स. वो आप लोगों ने भी आई थिंक सो एज एन इंडियन, अगर आप इंडियन हैं तो आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं तो आपने भी शायद फेस की होंगी, तो वो चीज़ें रहती है. बट उस टाइम पर भी आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है, वो उसके बारे में आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मैंने पॉइंट डिस्कवर किए हैं, जो मैंने एक्सप्लोर किए खुद ब खुद अपने आप से, राइट? तो हो सकता है ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये बेनिफिशियल ना भी हो, आपकी सिचुएशन में करें भी ना, बट मैं थोड़ा कॉमन पॉइंट्स बता रही हूँ, शायद आप ट्राई करना एक बार, क्या पता आपको हेल्प करें और लोगों के साथ भी शेयर करना. सबसे पहले एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो ये पॉइंट है कि सबसे पहले जब आपके सराउंडिंग में सबसे पहले आपको दिखेगा कि somebody is insecure, राइट? तो उसको जब वो आपको पर्टिकुलरली बोले कि yes you are getting fat, you are getting thin, तो उस टाइम पे उनको रोक के बोले नहीं, I am perfect, राइट? एंड आई एम लविंग माई बॉडी. जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जब आप खुद की बॉडी की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तभी आप अपने जो ये इनसिक्योरिटी वाली कंडीशन है उससे आप बाहर निकल सकेंगे, वरना आप नहीं निकल सकेंगे. अगर खुद की बॉडी के बारे में आप बार बार सबके सामने बोलेंगे कि नहीं, आई एम नॉट लुकिंग गुड, लाइक इन अ नेगेटिव सेंस, एक होता है प्रोग्रेसिव मैनर में कि नहीं, मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया है या थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है वेट, तो मुझे थोड़ा सा अपना बैलेंस आउट लाना है फॉर द फिजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है? बट एक होता है नेगेटिव सेंस में कि नहीं, मेरा इतना ज़्यादा हो गया, नहीं, मेरा इतना कम हो गया. वी स्टार्ट टू कंपेयर आर सेल्फ विद अदर इंडिविजुअल्स, राइट? तो मेन तो हमारा जो बॉडी इंडेक्स होता है वही मतलब कि जो फिजिकली हम फिट हैं तो एक पर्टिकुलर बॉडी इंडेक्सेस होता है, बट कई बार क्या होता है आपकी पर्टिकुलर रीजन्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है. लाइक पर्टिकुलरली अगर फीमेल्स की बात करें तो आर्म फैट, फेस फैट, थाई फैट, है ना, इन सब एरियाज में ज़्यादा हो जाता है, तो हम काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं. तो सबसे पहला स्टेप यही है कि जब भी आपको पेयर
ग्रुप में या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स या कुछ भी आपके जो सराउंडिंग लोग हैं आपको कुछ भी इस तरह से बोले, देन स्टार्ट सेइंग नो आई एम लविंग माई बॉडी एंड आई विल इन्जॉय डूइंग सम थिंग्स विच विल मेक मी फिट, राइट? बट मुझे कोई बुराई नहीं लगती अभी अपने आप में, ठीक है? जब आप बोलना शुरू करोगे तो वो आपके बेशक पीछे से बोलें आगे पीछे से बोलें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे आपके सामने वो नहीं बोलेंगे, राइट? तो आप में वो पॉजिटिव जो फीलिंग है वो बरकरार रहेगी कि आप उसे निकल सकते हो या उस स्टेट से निकल सकते हो. जैसे थायराइड बहुत बार लोगों को हो जाता है एंड द थिंग लाइक कि हम लोग कभी सही नहीं हो पाएंगे, है ना? तो उस वाली कंडीशन में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, राइट? अपनी बॉडी को प्यार करो, सबके सामने उसी टाइम टोक दो, बेशक किसी को बुरा लगे ना लगे आप बोलो आई लव माय बॉडी. ये बहुत पावरफुल वर्ड है, जब आप बोलते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप धीरे धीरे खुद ही उस चीज़ों से रिकवर कर पाते हो, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट व्हेनेवर यू आर ऑन अ सोशल साइट्स, जो कि आजकल मोस्टली हर एक मतलब लोग रहते ही हैं, यंगस्टर्स हों बेशक एडल्ट हों कोई भी हो, तो आप जब वहाँ पर कोई पोस्ट करते हो देन यू विल बी वॉचिंग ओवर द कॉमेंट सेक्शन कि किस तरह के आ रहे हैं, इसमें तो बड़ी पतली लग रही है, इसमें तो बहुत मोटी लग रही है. आई यूज़ टू हैव ऑल दीज कॉमेंट्स इन माई यूट्यूब टू, और मैंने तो यूट्यूब तब स्टार्ट की थी जब मेरे को एलोपेशिया था, तो वैसे कॉमेंट्स थे तो मैं क्या करती थी, जस्ट आई डिलीट दोज कॉमेंट्स. अगर कोई ज़्यादा ही वो हो रहा है तो आई ब्लॉक दैट पर्सन आउट फ्रॉम माई लाइफ, बिकॉज मुझे चाहिए नहीं वो. जो आपका दोस्त वही हो सकता है कि जो आपको एक एज एन इंडिविजुअल देखे, जो आपको कंपेयर ना करे, जो आपको बोले कि येस यू कैन डू इट, यू आर परफेक्ट, राइट? तो वैसे ही जो लोग हैं अपने अराउंड आप रखें और बस अपने आप को चेंज करते रहें. सजेशंस हर एक से लेनी चाहिए, बट ये नहीं कि हर एक सजेशन को ही फॉलो करना चाहिए, और जो आपको अपनी बॉडी के लिए परफेक्ट लगता है आपको वो करना चाहिए. ये था सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, हम कोई पर्टिकुलर आइडल बना के कि नहीं मुझे इसी तरह की फिगर चाहिए, तो हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम जो डेली रूटीन्स वाली हमारी यूट्यूब वीडियोज़ ही होती हैं, तो कई बार क्या होता है उसमें ऐसे लोग भी कई होते हैं जो कि मतलब कह सकते हैं कि ट्रेंड नहीं होते, वो बस अपने व्यू पॉइंट तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हें अपनी बॉडी में ये करना चाहिए, चेंज ये करना चाहिए, बट यू एग्जैक्टली नो दैट वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है? अगर आपको डाइटिशियन की कंसल्टेंस लेनी है, अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ पर जाइए, कोई YouTube से ना करें, क्योंकि हर एक जो चीज़ जो नुस्खा होता है वो आप लोगों के ऊपर सूट नहीं करता, कईयों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो इनसिक्योरिटी अपनी सबसे पहले इन्हीं चीज़ों से हट सकती है कि पहले स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, और जब भी आपके सामने कोई आपको बोले कि हाँ जी नहीं, ऐसा कंपैरिजन हो या कुछ भी हो, वहाँ पर बोलिए आई एम परफेक्ट, आई लव माई बॉडी, ठीक है? अगर उसको बुरा लगता है उस टाइम पर लगता रहे, हार्डली मैटर्स, बिकॉज यू आर योर ओन लीडर, आई कैन से आपकी बॉडी है आपका. जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, उनका एक बच्चा होता है, ठीक है, उनको वो केयर करते हैं, उसके बारे में वो एक चीज़ भी नहीं सुन सकते, तो वैसे ही अपने पेरेंट्स बन जाइए अपनी बॉडी के, और आपके अगेंस्ट कोई आपको वो कुछ बोले कि कम है, बेशक बोलते हैं ना पेरेंट्स अपने बच्चों को जितना मर्जी बोले वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को बेशक जितना मर्जी बोलो कि नहीं आई हैव टू रिड्यूस दिस, बट कोई आपको आगे से बोले साफ मुंह पे बोलिए, तब आपकी जो इनसिक्योरिटी और एक नया ही कॉन्फिडेंस आपके फेस पे जो डिस्क्राइब होगा, और आपकी बॉडी भी काफ़ी पॉजिटिव फील करेगी इससे, तो आप लोग वो कर सकते हो. एक ये हो गया, और एक मैंने बताया कि जो अगर आपको सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हो, कई बार तो आप पोस्ट ही नहीं करते इसके कारण कि नहीं भी मैं पतली ज़्यादा हूँ या बहुत मोटी हूँ, तो उसको छोड़ के बिंदास हर एक चीज़ करो जो आपको मन करता है, ठीक है? बिकॉज ये आपके फेस है लाइफ का, तो आप फेस को अगर दर्शाना चाहते हो तो दर्शाओ सबके सामने, अगर नहीं दर्शाना चाहते तो मत करो, बट इस बात से पीछे ना रखो कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे या लोग मुझे समझेंगे कि मैं अपनी फिजीक में नहीं हूँ इस टाइम पे, या नहीं हूँ या हूँ जो भी हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ें होती हैं, और पेयर ग्रुप का तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, कई बार इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए सबसे बड़ा ही यही है कि मुंह पे बोलिए, उसी टाइम बोलिए, और अपने अपनी जितने भी आप अपने बॉडी में चेंजेस ला सकते हो तो आप वो लाते रहिए, आप उसके मुताबिक ही अपनी डाइट्स कंट्रोल कर सकते हो. यू कैन बी वेरी पैशनेट अबाउट इट,
और उसमें करें। और ये जो हम लोग ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि हम लोग पर्टिकुलर चीज़ें डाइट में चेंजेस लाते हैं या एक्सरसाइजिंग रूटीन्स लेके आते हैं, वो हमें अपने मन में ये सोच के रखनी है कि मुझे अपनी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट या पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है एक फिट वे में, ना कि ये कि मैं सोसाइटी के मुताबिक नहीं हूँ, सोसाइटी में ये चीज़ परफेक्ट है तो मुझे भी अपनी बॉडी को उसी तरह से परफेक्ट बनाना है। इट इज़ नॉट द वे, राइट? तो नेगेटिव चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, देन यू विल बी गेटिंग द नेगेटिव वाइब्स आउट ऑफ योर बॉडी टू, एंड योर बॉडी विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, एंड योर बॉडी विल नेवर बी हील। बट जब पॉजिटिव सेंस में करोगे एंड यू विल बी स्टार्ट लविंग योर बॉडी, और जैसे आप अपनी बॉडी को प्यार करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं मेरी बॉडी धीरे धीरे करके ऐसे रिकवर हो ही जा रही है, एंड यू विल बी फीलिंग मच मोर फिटर एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मेंटली फिट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और यही जो तीन पॉइंट्स हैं सबसे बड़े पॉइंट्स होते हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं हर एक की जर्नी में। अगर इससे अलावा भी कोई कॉमेंट सेक्शन में अपना जो पॉइंट है वो शेयर करना चाहे तो वो कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है, या कोई आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कि आप इनसिक्योर बार बार हो रहे हो, पर्टिकुलर रह रहे हैं, अगर आप कॉमेंट सेक्शन में नहीं करना चाहते तो आप मुझे DM भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट योर विद योर क्वेश्चन, बिकॉज अननेसेसरी बहुत सारी जो कन्वर्सेशन होती हैं वो मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती हूँ। और अगर आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे जो मेरी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी इंस्टा ID दे दूँगी, वहाँ पर आप DM कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल करोगे तो मैं मेल से डायरेक्टली आपका क्वेरी जो आपकी है उसको सॉर्ट आउट करके आप लोगों को आंसर्स दे दूँगी। और ये जो ईमेल आपको मिलेगी ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, और साथ में आप मेरी जो ईमेल है मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट से भी ले सकते हो, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो टू सी द न्यू कलर्स ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैं हमेशा से बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट कंटेंट डालती हूँ। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये बहुत डिफरेंट चल जाते हैं, कई बॉडी कॉन्शियस होते हैं, कोई कुछ होते हैं, बट सेम ये मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं हर एक जो अपने लाइफ का रंग है वो मैं दिखाती हूँ, और मुझे मज़ा आता है ये सब करने में। सो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी अच्छा लगता तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, ठीक है? तो यही चीज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सो डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और शेयर करने के लिए इसमें मैं ज़्यादा बोलती हूँ, लाइक से ज़्यादा ही बोलती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए वो एक वर्ड काम ना किया और किसी और के लिए वो वर्ड काम कर जाए और किसी की लाइफ चेंज हो जाए, जो कि हुई भी है। मैंने कई जो रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट डाली हैं या इंटरव्यू की चीज़ें डाली हैं तो उसमें बहुत चेंजेस आए हैं, आप कमेंट सेक्शन के नीचे देख सकते हो, और मुझे मेल भी आते हैं कितने लोगों की जॉब्स भी लग चुकी हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे ऐसे मतलब पर्सनल टॉक्स सुनी हैं तो उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं जो मेरे साथ वो पर्सनली शेयर करते हैं मेल पे। तो आप लोग भी अगर शेयर करना चाहो तो शेयर कर देना, क्योंकि वो एक क्लिक लगेगी आपकी और किसी की लाइफ शायद सही हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सो बाय।